जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट के रेस्टोरेशन को लेकर फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल सुप्रीम कोर्ट जहां पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक PIL दर्ज की और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में इस समय जिस समय लॉकडाउन है उस समय 4G का रिस्टोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ जस्टिसेस ने, जिसमें जस्टिस NV रामना, R सुभाष रेड्डी और BR गवाई शामिल थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया है ये जानने के लिए कि अभी तक इंटरनेट क्यों बंद है। मैं आपको बता दूं कि नोटिस इशू किया है ईमेल के द्वारा और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की स्टैंडिंग काउंसिल को एक हफ्ते के अंदर इस नोटिस का जवाब देना है और ये बताना है कि अभी तक भी जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट क्यों बंद है, और ये भी बताना है कि जो पिटिशनर्स हैं फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, उन्होंने जो PIL दायर की है उसमें जो जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं उसका क्या जवाब सरकार के पास है। मैं आप तक पहुंचा दूं कि फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की तरफ से दो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट शदार फरासत और सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने बताया कि इनकी क्या क्या डिमांड्स हैं और उन्होंने किन किन आर्टिकल्स की वायलेशन की है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने 4G इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट करके। पहले कहा कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, साथ ही साथ आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर एक ऑर्डर दिया था। उस समय पिटिशनर सी कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन जम्वाल, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन जम्मू कश्मीर में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रही है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि राइट टू इंटरनेट भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत एक फंडामेंटल राइट है, और ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार इनडेफिनेटली इंटरनेट को सस्पेंड नहीं कर सकती। साथ ही साथ ये भी कहा था कि एसेंशियल सर्विसेज जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इंटरनेट की ज़रूरत है। लेकिन जिस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उस समय ऑलरेडी 5 महीने बीत चुके थे और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद था। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद ही वो खेल शुरू हो गया एक तरीके से, कि पहले वाइट लिस्ट आई, फिर दोबारा वाइट लिस्ट आई, उसके बाद 2G इंटरनेट कम्प्लीटली रिस्टोर कर दिया गया, फिर प्रीपेड के ऊपर भी 2G इंटरनेट रिस्टोर कर दिया गया। इस समय जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट प्रीपेड और पोस्टपेड फोन्स के ऊपर चल रहा है और सोशल मीडिया भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन 4G इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट अभी भी हम अवेल नहीं कर सकते। तो इसमें जो एडवोकेट शदार फरासत हैं और उसके अलावा एडवोकेट हुजैफा अहमदी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दायर की उसमें ये भी कहा कि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी वायलेशन हो रही है। साथ ही कहा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसकी भी वायलेशन हो रही है, और साथ ही साथ आर्टिकल 21A जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जाती है उसकी भी वायलेशन हो रही है। क्या क्या पॉइंट्स उठाए उस PIL में, मैं वो भी आप तक पहुंचाना चाहूंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि इस समय जिस समय लॉकडाउन है जम्मू कश्मीर में भी टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो इस वक्त लॉकडाउन के चलते घरों में हैं, उनके पढ़ने का एकमात्र जरिया जो है वो वर्चुअल क्लासेस है, और अगर 4G इंटरनेट एनेबल नहीं किया जाता तो जो बच्चों का राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, वो राइट भी वायलेट हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो वर्चुअल क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। इस समय लोगों का ऑनलाइन लेक्चर जो है वो अटेंड करना मुश्किल है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वो नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू जो अगर उन्हें पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि 4G इंटरनेट नहीं चल रहा। साथ ही में इस समय जिस समय हेल्थ क्राइसिस है, और एडवोकेट्स ने कहा कि गवर्नमेंट अंडर ऑब्लिगेशन है कि उन्हें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोवाइड करना है। इस समय हेल्थ क्राइसिस है, आप सभी लोगों को मालूम है कि COVID-19 के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी दिन प्रतिदिन नई नई गाइडलाइंस आती हैं, नए नए ऑर्डर्स आते हैं जिनका लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्होंने ये भी उठाया कि जब लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑनलाइन अपडेट होती है हर जम्मू कश्मीर का आम नागरिक उसे एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि स्पीड 2G इंटरनेट है, 4G नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा एडवोकेट शदार फरासत और एडवोकेट हुजैफा अहमदी, जो कि फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जब भारत की सरकार ने जितने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं COVID-19 से लड़ने के लिए,
उसमें एक इनिशिएटिव है माय गवर्नमेंट इंडियाज व्हाट्सएप चैट बॉक्स, जिस चैट बॉक्स में वीडियोस के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू ये बताया जाता है कि COVID-19 को लेकर क्या मिथ्स है और क्या सच्चाई है, ये बताया जाता है कि क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो इसका एक्सेस भी जम्मू कश्मीर के लोग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे क्योंकि 2G इंटरनेट है, 4G इंटरनेट नहीं है। उसके अलावा ये भी कहा कि लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे इस समय। इस समय टेलीमेडिसिन यानी कि ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शंस भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4G इंटरनेट नहीं चल रहा। उसके अलावा कहा कि जो मैंडेटरी कर दिया गया है पूरे भारत में कि यू शुड वर्क फ्रॉम होम, आप अपने घरों में बैठकर काम करें, वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर IT एनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बिना 4G इंटरनेट के काम कर पाना, वो भी घर बैठे, पॉसिबल नहीं है। और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय घर बैठे काम करना चाहते हैं। एक तो वो लोग हैं जिन लोगों के घर में ऑलरेडी ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, सभी फाइबर सर्विसेज हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने BSNL के दफ्तर में अभी दरख्वास्त डाली थी ब्रॉडबैंड के लिए लेकिन अभी तक उनका ब्रॉडबैंड लगा नहीं, उसके अलावा वो लोग जिन्होंने अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज को बोला था फाइबर लगाने के लिए या फिर ब्रॉडबैंड लगाने के लिए लेकिन उनके घरों में अभी तक ब्रॉडबैंड लगा नहीं, और वो लोग जो इस समय रेंट पर रह रहे हैं, किसी और जगह पर रह रहे हैं, जिनके लिए ब्रॉडबैंड सर्विस अवेल करना भी पॉसिबल नहीं है, वो लोग बिना 4G इंटरनेट के आखिर घरों से काम कैसे करेंगे। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि क्या सरकार की तरफ से कोई स्टैंडिंग काउंसिल मौजूद है। तो उस समय जिस समय ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंडिंग काउंसिल मौजूद नहीं था। अगर कोई दो लोग मौजूद थे तो वो वकील जो फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो पिटिशनर्स थे जिन्होंने PIL दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की रेस्टोरेशन को लेकर, उनका नाम मैं एक बार फिर आपको बता दूं, एडवोकेट शदार फरासत और एडवोकेट हुजैफा अहमदी, ये दो वो लोग थे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट क्यों चलाना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब लगभग 9 महीने हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट नहीं चल रहा, 2G इंटरनेट चल रहा है प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों मोबाइल्स के ऊपर, और साथ ही में 2G इंटरनेट पर आप सोशल मीडिया भी एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो स्ट्रीम्स करनी है तो वो आप 2G इंटरनेट के ऊपर नहीं कर पा रहे, अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं वो भी आप 2G इंटरनेट के ऊपर नहीं कर पा रहे, अगर आपको वीडियो कॉल करनी है, जूम कॉल करनी है, वो भी 2G इंटरनेट के ऊपर कर पाना प्रॉपरली पॉसिबल नहीं है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। मैं आपको बता दूं ऑर्डर नहीं आया है, जजमेंट नहीं आई है, केवल एक नोटिस इशू किया है जम्मू कश्मीर की सरकार को ये पूछने के लिए कि भाई एक PIL दायर की है जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की रिस्टोरेशन को लेकर, आपका क्या कहना है, आपका क्या जवाब है। तो अब जम्मू कश्मीर की जो स्टैंडिंग काउंसिल होगी उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर इस नोटिस का जवाब देना है। नोटिस भेजा भी ईमेल के थ्रू गया और उसका जवाब भी ईमेल के थ्रू ही देना है। ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स हुई ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई जम्मू कश्मीर में। आपको मालूम है कि इस समय COVID-19 का लॉकडाउन है और सुप्रीम कोर्ट भी जितने भी अर्जेंट मैटर्स हैं केवल उसी की हियरिंग कर रहा है, और वो भी किसके, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डॉक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी ये अपील की थी कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट चल जाना चाहिए, और इन्होंने भी वो पॉइंट ज़रूर उठाया है कि लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और साथ ही साथ टेलीमेडिसिन यानी कि ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन अगर उन्हें चाहिए वो भी जम्मू कश्मीर के लोग नहीं अवेल कर पा रहे क्योंकि 4G इंटरनेट नहीं चल रहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स क्योंकि इस समय सभी अपने घरों में हैं, लॉकडाउन है, बाकी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में जो बच्चे हैं वो कम से कम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ तो पा रहे हैं लेकिन ये बच्चे वर्चुअल क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि 4G इंटरनेट नहीं चल रहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ ये भी बताया कि इस समय टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस समय सरकार की ऑब्लिगेशन है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे ताकि वो घर बैठे बैठे ही अपना काम भी कर पाएँ, ताकि लोग घर बैठे बैठे ही जो है अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएं। लेकिन अभी तक केवल एक नोटिस इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप लोग फेक न्यूज़ फैलाना ना शुरू कर दें कि भाई ऑर्डर आ गया है अब तो 4G रिस्टोर हो जाएगा,
केवल अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार से सवाल पूछा गया है कि ये PIL दायर की गई है फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स के द्वारा, आप बताएं कि आपका क्या कहना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक हफ्ते का टाइम दिया है जवाब देने के लिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार को बताना है कि क्यों अभी तक 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं किया गया। जो 2G इंटरनेट का ऑर्डर है वो अभी भी 15 अप्रैल तक एक्सटेंड है, आज 9 अप्रैल है। देखना यह है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जब सुप्रीम कोर्ट को जवाब भेजा जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट ऐसी देगा जिससे 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर में रिस्टोर हो जाएगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट करार कर दिया गया था आर्टिकल 19 के तहत, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। लेकिन और जम्मू कश्मीर में एसेंशियल सर्विसेज के बारे में भी ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एसेंशियल सर्विसेज अवेल होनी चाहिए जो कि इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। उसके चलते कई सारे ऑर्डर्स जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने निकाले जिसमें 2G इंटरनेट चलाया गया, रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेट के ऊपर रखी लेकिन इंटरनेट चलाया गया कम से कम। उसी के चलते हर हफ्ते 11 दिनों के बाद नया ऑर्डर आता है। ऑर्डर का इंतज़ार जम्मू कश्मीर की आवाम करती है और ऑर्डर में ये लिखा हुआ आता है कि इस कारण से अभी हम इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं, टेररिज्म के कारण हम अभी इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी कहा गया कि अगर हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसीलिए 2G इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंटिन्यू की जा रही है। लेकिन इस समय जिस समय लॉकडाउन है उस समय क्या प्रायोरिटी होगा, क्या लोगों का घर बैठे बैठे काम कर पाना, यानी वर्क फ्रॉम होम जो एक मुद्दा जो है इस PIL में भी उठाया गया है, क्या वर्क फ्रॉम होम प्रायोरिटी होगा, क्या वर्चुअल क्लासेस, आपको मालूम है आर्टिकल 21A के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर एक भारतीय नागरिक का राइट है और इस समय लॉकडाउन है, स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ बंद है और वर्चुअल क्लासेस एक्सेस कर पाना, आप देखिए ऑनलाइन कितने सारे इनिशिएटिव सरकार ने भी लिए हैं। स्वयं एक इनिशिएटिव है जिसमें आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे BYJUS है, यूना अकेडमी है, बहुत सारी अकेडमीज हैं, YouTube के ऊपर आप जो है इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग क्लैरिटी चाहिए तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। अगर आपको कोई बुक्स चाहिए जो आपको इस समय मार्केट में प्रिंट अवेलेबल नहीं है उसके लिए आप ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हैं, आप किंडल डाउनलोड कर सकते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर वो बुक्स भी एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए दूसरी प्रायोरिटी हेल्थ क्राइसिस जो इस समय है COVID-19 के चलते, उसके रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैल रही है, बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही पहुंचे। इसलिए भी ये कहा गया है कि अगर सरकार ने माई गवर्नमेंट इंडियाज व्हाट्सएप चैट बॉक्स शुरू किया है COVID-19 के रिगार्डिंग एक्चुअल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन भी वो वीडियोस के थ्रू और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू दे रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लोड कर पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि 4G इंटरनेट नहीं चल रहा। इसीलिए अगर इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग इसके बेनिफिशियरीज क्यों नहीं बन सकते। साथ ही साथ टेलीमेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर के लोग क्यों इस समय जिस समय हेल्थ क्राइसिस है जो जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो 4G इंटरनेट इस्तेमाल करके क्यों जो है COVID-19 के साथ लड़ाई में और स्ट्रेंथन नहीं हो सकते। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वर्चुअल क्लासेस जो है वो इम्पैक्ट हो रही हैं और उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम खास करके वो लोग जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि 4G इंटरनेट नहीं चल रहा। अब ये पूरी PIL जो है वो दायर की हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुना भी और स्टैंडिंग काउंसिल